आयुष फाउंडेशन धनबाद ने माउंट लिट्रा जी स्कूल में फ्री डेंटल और आई चेकअप करवाया। आई चेकअप कैंप सरायढेला स्थित श्रेष्ठ नेत्र चिकित्सालय और डेंटल बैंक मोड स्थित क्लिनिकल डेंटल केयर के सौजन्य से संपन्न हुआ। प्रिंसिपल डॉक्टर गुंजन अरोड़ा ने कैंप की शुरुआत खुद चेकअप कराकर की। करीब 90 बच्चों और टीचर्स ने आई चेकअप कराया और 250 ने डेंटल चेकअप कराया। प्रिंसिपल डॉक्टर गुंजन अरोड़ा ने कार्य की सराहना करते हुए नित नेक कार्य करते रहने के लिए प्रोत्साहन दिया। सचिव अर्पिता अग्रवाल ने बताया कि आयुष फाउंडेशन धनबाद में पिछले 3 वर्षों से सामाजिक दायित्व निभाने के लिए तत्पर है। हमारे साथ हैं माउंट लिट्रा जी स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर गुंजन अरोड़ा। इनसे पूछते हैं कि हमारा काम कैसा लगा। मैम, सबसे पहले मैं मैनेजमेंट और अपने स्टाफ की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगी आयुष फाउंडेशन धनबाद को कि जिन्होंने यहाँ पे कैंप लगा के बच्चों को अवेयर कराया कि दांत की सफाई, दांतों की सफाई किस तरह से करी जाए, 2 टाइम ब्रश किया जाए। एक वर्कशॉप उन्होंने बच्चों के लिए, उनका डेंटल चेकअप हुआ और साथ ही साथ उनका आई चेकअप भी हुआ, जिससे उनको आईज के बारे में उनको बताया गया कि क्या प्रॉब्लम है और अगर प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए, उसका सोल्यूशन क्या है। उसी के साथ हमारे टीचर्स ने, हमारे ग्रुप डी ने भी अपना आई और डेंटल चेकअप कराया। ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी कि आयुष फाउंडेशन ने हमारे यहाँ कैंप लगाया और जिससे हम लोग का हेल्थ चेकअप हो गया। और मैं चाहूँगी कि हर साल ऐसा चेकअप हो जिससे हम लोग को पता चल पाए कि हमारे में क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे ओवरकम किया जाए। थैंक यू सो मच आयुष फाउंडेशन धनबाद। थैंक यू मैम। मैं डॉक्टर रोहित कुमार शाह, मैं क्लिनिकल डेंटल केयर से आया हुआ हूँ। मुझे अर्पिता मैम ने आयुष फाउंडेशन से यहाँ पे इनवाइट किया है डेंटल चेकअप कैंप के लिए। ये स्कूल है माउंट लिट्रा स्कूल भुल्ली में। अभी जैसे कि हम लोग देख रहे हैं पेशेंट्स को यहाँ पे डेंटल हेल्थ के लिए, डेंटल हेल्थ कैसा है, नहीं है, क्या रिकमेंडेड है, किस तरह से वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं और किस तरह से पंक्चुअलिटी से ब्रशिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, मेंटेनेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है, किस तरह से इसको मेंटेन करना है, कहाँ तक आप इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। वेदर बहुत टाइम देखा जाता है, जैसे इस बच्ची में क्या हो रहा है, अभी ये ब्रश बहुत अच्छा कर रही है बट ओवर ब्रशिंग की वजह से एट्रीजन फॉर्म हो रहा है जो कि मैकेनिकल प्रोसेस से होता है, जिससे इस भी पेशेंट को नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा ओवर ब्रशिंग नहीं करना है। ऐसे कंडीशंस में पेशेंट को ये चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारा ब्रश बहुत हार्ड नहीं हो, बहुत विग्रस ब्रशिंग नहीं हो दांतों के ऊपर। मेंटेनेंस बहुत मस्त है, अगर ट्रीटमेंट अच्छा से कराना है तो मेंटेन करना हो। मैं तिवारी हुआ, मैं श्रेष्ठ में चिकित्सालय से मार्केटिंग देखता हूँ और मैं एनजीओ आयुष फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर माउंट जी स्कूल में हम लोग निःशुल्क आई चेकअप करवा रहे हैं और यहाँ पर सभी स्टूडेंट लोगों का सारा चीज़ फ्री में चेकअप हो रहा है और इन लोगों को फैमिली पास भी दिया जाता है ताकि वो हमारे हॉस्पिटल आए और अपने फैमिली के साथ सारा चेकअप करवाए। और मैं आयुष फाउंडेशन के सारे मेंबर और स्कूल के सारे जितने भी मेंबर हैं सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मेरा आई चेकअप जो हो रहा है उसमें उन लोगों का बहुत सराहनीय योगदान रहा है। धन्यवाद।